दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किंग्सवे कैंप की मार्केट में पहुंचे। यहां उन्होंने दिल्ली में जो सीलिंग चल रही है उसके खिलाफ धरना दिया। अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन, विधायक अखिलेश त्रिपाठी, विधायक पंकज पुष्कर, पूर्व विधायक सत्येंद्र पाल सिंह, पूर्व निगम प्रत्याशी स्वाति सचदेवा, पूर्व निगम प्रत्याशी मोहनलाल शास्त्री शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 15 से 20 चिट्ठियां एलजी को लिखी गई और मिलने की भी कोशिश की गई, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पिछले 15-20 दिन में एलजी साहब को मैंने चिट्ठियां भी लिखी है, उनसे मिलने की कोशिश भी की है। मोबाइल नीचे, मोबाइल नीचे। क्योंकि चार मुद्दे हैं जिन पर सीलिंग हो रही है। अरे कौन है ये बाइक गिराएगा? अगर एलजी साहब सरकार चाहते तो 24 घंटे के अंदर ये बंद हो सकती थी। मास्टर प्लान में कुछ चेंजेस करने हैं या एक ऑर्डिनेंस लाना है। कल मैंने कई सारे वकीलों की मीटिंग बुलाई थी, हमने पिटीशन तैयार कर ली है और इसी हफ्ते के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जब तक केंद्र सरकार इस पे एक्शन नहीं ले लेते तब तक टेम्पोररी बेसिस पे दिल्ली में सीलिंग बंद की जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी। सीलिंग को लेकर आज प्रदर्शन में बैठे हैं। देखिए व्यापारियों से भारतीय जनता पार्टी चार्जेस के नाम पर हजारों करोड़ रुपया वसूल कर सरकार गई है। कन्वर्जन चार्जेस के नाम पर हजारों करोड़, इसका हिसाब मांगने के लिए कल जब दिल्ली का व्यापारी संसद घेराव करने पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस व्यापारियों को भगवाया। मैं खुद अपना बाया टूटा। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल फिर सवाल का जवाब देना लाजमी हो जाता है कि 10 सालों से सीलिंग की समस्या का भारतीय जनता पार्टी समाधान क्यों नहीं ढूंढ पाई। इसलिए नहीं ढूंढ पाए क्योंकि कन्वर्जन चार्जेस के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को अवैध पर आम आदमी पार्टी के विधायक भाजपा द्वारा नियुक्त महोदय के पास गए समस्या का समाधान दो समाधान। एक, डीडीए की जिस कुर्सी पे अभी साहब बैठे हुए हैं उस कुर्सी में ताकत है कि वो मास्टर प्लान के अंदर बदलाव करके एफआईआर के अंदर चेंजेस करके दिल्ली के व्यापारियों को इसका समाधान दे सकती है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक अध्यादेश लाकर दिल्ली के अंदर सीलिंग हट कर सकती है। सीधे सीधे अभी साहब ने डीडीए वाले इस समाधान को स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ ये समाधान तो संभव है, केंद्र सरकार के पास भेजूंगा। इसका मतलब भारत को, डीडीए को, सबको पता था कि पॉसिबल तो है सोल्यूशन, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको कन्वर्जन चार्जेस के नाम पर दिल्ली के व्यापारियों से अवैध गुंडागर्दी। आज भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बैठक का नाटक करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे गई और खुद एक्सपोज हो गई। जब मुख्यमंत्री महोदय ने उनसे गुजारिश करी कि आइए खुले में बात करते हैं, मीडिया के सामने बात करते हैं, बैठ कर समस्या का समाधान निकालते हैं, तो मीडिया की उपस्थिति जब भारतीय जनता पार्टी बौखला कर और बदतमीजी करके वहां से हट गई, जिससे ये साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। आम आदमी पार्टी यहां से क्रमिक कंसल कर रही है। मैं आज भूख हड़ताल पर बैठा हुआ हूँ, उसके बाद 500 तमाम हमारे साथी एक एक करके यहाँ से क्रमिक कंसल करते रहेंगे जब तक कि भारतीय जनता पार्टी। पहले एक दिन का बंद भी किया गया था, कल मार्च भी किया गया है आपके लोगों की तरफ से, उतना उसका कितना फर्क पड़ा है? बीमारी को अपने रोजगार पर ताला लगा के भाई साहब चूल्हे पे आप पानी डाल रहे हैं, उसके हित को आप की भट्टी में ढकेल रहे हैं। एक बार बंद का आह्वान किया गया 2 फरवरी को भी दिल्ली का व्यापारियों को मैं कहना चाहूंगा परेशान मत करो, उनके दिल में आंसू तो तुमको परेशान कर रहे हैं। इस बार आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के व्यापारियों के खेल रही है और अगर इससे इसका समाधान भाजपा ने ढूंढा दिल्ली के व्यापारियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी चलने वाली आने वाली।